हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 पुरुष एक तिहाई काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 12 पुरुष जो है वो किसी काम का एक तिहाई जो है 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। अब ये एक तिहाई हमारे पास है, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि 3 में से 1 काम, टोटल काम कितना है यहाँ पर 3, और उसमें से एक जो है 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। हमें कहा गया है कि इसी काम को 16 पुरुष जो है कितने दिन में खत्म करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला है MDH बटा में क्या है W, दूसरी तरफ भी हमें यही लिखना है MDH बटा में लिखना है W। M क्या है मेन, D क्या है डे, H क्या है आवर यानी घंटे, इसी तरह से W क्या है हमारे पास वर्क। दोनों तरफ हमें MDH बटा W, MDH बटा W लिख लेना है। उसके बाद जो है इसके अंदर हमें वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे मेन हमारे पास कितने हैं 12, डे हमारे पास कितने दिए हुए हैं 8, और आवर जो है हमारे पास घंटे जो है वो नहीं है तो उसे छोड़ देना है। उसके बाद बटे में हमारे पास क्या है वर्क, ये जो है 12 पुरुष 8 दिन में टोटल का क्या कर रहे हैं एक, यानी ये एक काम जो है कर रहे हैं 3 में से 1 काम। बराबर हमें क्या रखना है, अब हमें निकालना है 16 पुरुष, 16 मेन इंटू कितने दिन में करेंगे, काम कितना है, टोटल काम निकालना है हमें। टोटल काम जो है हमारे पास है 3। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो डे है उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 8, ये 3 जो है इधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 16 जो है ये क्या आ जाएगा इसके बटे में। बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा डे दिन। अब इसे हमें काट देना है, हमारे पास 2 और यहां से 6, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आ गया 18, 18 दिन। यानी 16 पुरुष जो है इस पूरे काम को जो है 18 दिन में खत्म कर देंगे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, 32 पुरुष ये काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अब दोस्तों हमें दिया हुआ है कि 22 पुरुष जो है वो 16 दिन में किसी काम को खत्म कर देते हैं, उसी काम को जो है अगर 32 पुरुष लगाए जाएं तो काम कितने दिन में खत्म होगा। हमें क्या करना है, वही फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास है MDH बटा W, दूसरी तरफ क्या है MDH बटा W, इसके अंदर हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब दोस्तों पुरुष क्या है हमारे पास 22, और डे हमारे पास कितने हैं 16, और किसी काम को हमने मान लिया काम कितना है हमारे पास एक। अब हमें 32 पुरुष लगाने हैं और हमें निकालना है कि कितना टाइम लगेगा, और हमारे पास जो वर्क है वो कितना है सेम है, एक ही इधर है और एक ही इधर है। अब हमें क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से डे की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 इंटू 16, और ये 32 जो है इसके क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या रह जाएगा दिन। अब हम इसे काट देंगे, 16 दुए 32 और 2 से ये 11 पे कट जाएगा, हमारे पास कितना आ गया 11 दिन।
यानी अगर 32 पुरुष इस काम को करेंगे तो 11 दिन में जो है खत्म कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद जो है देखना है कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो में देखें कि हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम डी एच बटा में वर्क, इधर एम डी एच बटा में वर्क वैल्यू पुट करनी है अंदर हमें। 16 पुरुष जो है 7 दिन में हमने मान लिया एक काम को खत्म करते हैं, तो हमें 28 पुरुष अगर उसी काम पर लगाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। काम क्या है, सेम है, 16 मल्टीप्लाई 7, ये 28 जो है इधर आके इसके बटे में आ जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिन। इस दिन की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे हम काट देंगे 4 से, यहाँ से कट देगा 4 पे, हमारे पास कितना आ गया, 4 दिन। यानी अगर हम 28 पुरुष लगाएंगे तो जो काम है वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं और 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 पुरुष और 9 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। हमें निकालना है कि 8 महिलाएं और 8 पुरुष अगर मिलकर इस काम को करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 18 वुमेन जो हैं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, यानी 18 वुमेन को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम हमारे पास आ जाएगा, और इतना ही जो काम है वो 12 मेन जो हैं 9 दिन में कर सकते हैं, यानी काम हमारे पास सेम है तो हम इसे बराबर में रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वुमेन और मेन की जो है रेशो हमें निकालनी है, पर डे वर्क यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब हम इसे काट देंगे 12 से 12 और इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। हमारे पास क्या आ गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई में है इसीलिए मैंने इसको काट दिया है, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 वुमेन इक्वल टू में हमारे पास आ गया 1 मेन। अब हमें क्या करना है, W जो इधर है और M जो इधर है इसे इसके बटे में ले आएंगे, और इधर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर M है, ये जो M है ये इधर आके इसके बटे में आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1, और ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, कि जो वुमेन है वो एक दिन में एक कार्य करती है और जो मेन है वो एक दिन में 2 कार्य करते हैं। अब हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मेन या वुमेन की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें पुट कर सकते हैं, क्योंकि काम जो है दोनों तरफ इक्वल है। अब हम वुमेन की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास क्या है 18, एक दिन में जो वुमेन है वो एक कार्य करती है, कितने दिन कार्य करना है 12 दिन, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 12, बटे में हमें क्या रखना है, ये जो 8 मेन प्लस 8 वुमेन है यही जो है अब इसका काम को जो है करेंगी तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। यहां पर जो है हमें वैल्यू पुट करनी होगी, अब 18 × 12 बटा, यहां पर m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 8 × 2 प्लस 8 × वुमेन की वैल्यू हमारे पास है 1। इसे सॉल्व करेंगे, अब हम 18 × 12 बटे में हमारे पास क्या जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 + 8। अब इसे हमें सॉल्व करना है, 18 × 12 बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास
24, 18 और सॉरी 16 और 8, 24, इसे हम काट देंगे 2 पर, इसे काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, यानी हमारे पास क्या आ गया 9 दिन। अगर 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम करेंगी तो काम जो है 9 दिन में खत्म हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 18 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें, मैंने आपको पहले ही इस तरह का क्वेश्चन जो है करा दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर्मूला होता है एम डी एच बटा में क्या होता है डब्ल्यू, इधर भी एम डी एच बटा में डब्ल्यू। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है, क्या हो जाएगा हमारे पास 24 मैन जो है 15 दिन के अंदर एक काम खत्म कर सकते हैं, इसी तरह से 18 पुरुष जो है वो कितने दिन के अंदर जो है इसी काम को कर देंगे। तो हमें क्या करना है, 24 इंटू 15, ये 18 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा इसके बटे में चला जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा दिन, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब हमें इसे काट देना है, 6 से काट देंगे, 6 या 18 और 6 चौके 24, इसे काट देंगे हम 3 5 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 दिन। हमारा आंसर क्या आ गया, अगर 18 पुरुष उसी काम को करेंगे तो काम जो है 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को कर्मश 15 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन के पश्चात किसी कारण से बी जो है कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य जो है वो अकेले ए ने पूरा किया है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में जो है खत्म हुआ है हमें बताना है। हमारे पास क्या है दोस्तों, ए और बी जो है कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं, वो दिन दिए हुए हैं, जिसे हमारे पास क्या है, ए जो है वो 15 दिन के अंदर कार्य को कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो 10 दिन के अंदर किसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है। हमें क्या करना है, यहाँ से इन दोनों का हमें लेना है एलसीएम, 15 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, हमें मानना है इसे टोटल वर्क। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ए का पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 30 को इस 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। इसी तरह से बी का पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 30 को इस 10 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारे पास क्या आ गया, ए जो है वो एक दिन के अंदर 2 कार्य करता है और बी जो है वो एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है। अब हमसे क्या कहा गया है कि ए जो है उसने शेष कार्य किया है और दोनों ने जो मिलकर है वो 2 दिन तक कार्य किया है, अगर दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं तो कार्य कितना समाप्त हो जाता है, एक दिन में दोनों कर रहे हैं दोस्तों 2 और 3 5, एक दिन में कर रहे हैं 5 और इन्हें करना है 2 दिन, 2 दिन में कितना कर देंगे दोस्तों, ए और बी 2 दिन कार्य करेंगे तो हमारे पास कार्य हो जाएगा 10। टोटल कार्य हमारे पास कितना है 30, इसमें से 10 तो हो गया, अब बचा है 20। अब कितना बचा है 20, और ये जो 20 बचा है ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है ए, क्योंकि 2 दिन के बाद बी जो है कार्य छोड़कर चला जाता है। अब हमें देखना है कि इस बचे हुए काम को, 20 काम को अगर ए करेगा तो कितने दिन में खत्म करेगा, ए जो है एक दिन में करता है 2, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा, 20 बटे 2 10, 10 दिन में जो है बचा हुआ काम ए पूरा करता है और दोनों मिलकर जो है 2 दिन तक कार्य करते हैं, 2 दिन यहां पर उन्होंने लगाए हैं और 10 दिन जो है ए ने लगाए हैं, तो टोटल कितने दिन हो गए, 10 प्लस 2 12 दिन, 12 दिन के अंदर जो है पूरा काम जो है खत्म हो गया है। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 डेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? हमसे कहा गया है कि एक आदमी है जो कि 5 दिन के अंदर किसी कार्य को पूरा कर सकता है, लेकिन जब दोनों आदमी और उसका बेटा कार्य करता है तो कार्य जो है 3 दिन में खत्म हो जाता है। आदमी प्लस बेटा, ये दोनों जब कार्य करते हैं तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15। एलसीएम हमारे पास आ गया 15। अब हमें क्या करना है, इस 15 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। यानी आदमी जो है एक दिन में 3 काम करता है और दोनों मिलकर जो है वो कितना काम करते हैं एक दिन में, 15 को क्या करेंगे इस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। यानी हमारे पास क्या आ गया, आदमी और बेटा एक दिन में जो है 5 कार्य करते हैं और आदमी अकेला जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। अगर इस 5 में से हम इस 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। ये 2 क्या आया है, हमारे पास बेटे का एक दिन का कार्य, बेटे का एक दिन का कार्य हमारे पास आ गया 2 और टोटल काम है 15। 15 को एक दिन में करता है 2 और 15 काम को कितने दिन में करेगा, 15/2। इसे जब हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/1/2। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 14+1 15, 15/2। हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7/2 दिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग कर्मश 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया तथा बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। यदि शेष कार्य जो है ए ने 10 दिन में पूरा किया है तो बी जो है कितने दिन तक कार्य किया। बी ने हमें निकालना है कि कितने दिन तक जो है कार्य किया है, उसके बाद जो है वो छोड़कर चला गया है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क और पर डे वर्क निकालना होगा। ए जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास आ गया 60। अब पर डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 60 को इस 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। यानी ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। बी जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, टोटल कार्य है 60। अब दोस्तों ए ने जो है अंतिम 10 दिन तक अकेले कार्य किया है। अगर ए 10 दिन तक कार्य करे, एक दिन में करता है 3, 10 दिन में कितना कर लेगा, 30। 10 दिन में जो है 30 कार्य जो है ए कर लेगा अकेला। अब हमें क्या है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आया है, 60। इसमें से हम क्या करेंगे, इस 30 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो कार्य है ये किया है ए ने, अकेले ए ने जो है 10 दिन में अंतिम जो 10 दिन बचा हुआ कार्य था उसने किया है, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 30। ये जो 30 कार्य है ये दोनों ने मिलकर किया है, मिलकर दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5। एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं 5। 30 कार्य को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। यानी 6 दिन के बाद जो है बी कार्य छोड़कर चला गया था, यानी 6 दिन तक जो है बी ने कार्य किया है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, यदि 28 पुरुष किसी कार्य का 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को कार्य पर लगाना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर किसी को इसका आंसर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करवाऊंगा। आप वहां से देख सकते हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।